दिल्ली में जहां पर एक तरफ कोरोना मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है, मगर दिल्ली का जो रिकवरी रेट है वो काफी बेहतर है। दिल्ली का रिकवरी रेट करीब करीब 88% इस वक्त हो चुका है, और ऐसे में रिकवरी रेट के सहारे अब कहीं ना कहीं दिल्ली में एक उम्मीद बढ़ रही है कि इन तमाम चीजों पर संक्रमण पर रोक लग सकती है। हालांकि इस बीच में आज का जो आंकड़ा सामने आया, 1075 नए मरीज सामने आए हैं। हालांकि 24 घंटों में 21 मरीजों की मौत हुई है, 1,30,000 के पार ये संख्या पहुंच चुकी है संक्रमित लोगों की जो तादाद है, लेकिन ठीक होने वाले लोगों की तादाद 1,15,000 वो फिगर है। लेकिन इलाज, जांच, इलाज और देखरेख के बाद में जो नए आंकड़े सामने आए हैं वो काफी बेहतर तरीके से सामने हैं। हालांकि रोजाना संख्या में इजाफा जरूर हो रहा है, लेकिन एक्टिव केसेस की तादाद में काफी गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। 1,30,000 के आसपास में कुल केस हैं, जिसमें से 1,15,000 के आसपास मरीज ठीक हो चुके हैं। महज 3,827 अब कोरोना के मरीज दिल्ली में हैं, यानी कि पूरी दिल्ली के अंदर जो संक्रमितों की संख्या है, जो मरीजों की तादाद है, वो 3,500 के आसपास ही है। तो ये एक बेहतर नतीजा दिल्ली में देखने को मिल रहा है।